Now, this is the third video lecture which I am going to deliver. That is a numerical again, very important numerical, and normally it is asked in the examination also. The numerical is 10 TR refrigeration system is required for a food storage locker. The evaporator temperature of -20 degree, condenser temperature 50 degree centigrade. The working fluid R134A. 134A का टेबल हमको साथ में रखना पड़ेगा देखने के लिए सब वैल्यू. The refrigerant, the superheated by 5 degree centigrade in the evaporator, and the refrigerant subcooled by 5 degree centigrade. At the exit of the condenser before entering the expansion valve. The refrigerant compressor double cylinder single acting reciprocating compressor having L by D ratio. L by D means length to diameter ratio 1.1 and 80% volumetric efficiency. The compressor runs at 200 RPM. Calculate, पहला क्या है, first calculate करना है, mass of the fluid, mass of the flow rate of the refrigerant in kg per minute. पहला जो है mass of the flow rate निकालना है kg per minute में. Number two, that is bore stroke of compressor. बोर निकालना मतलब उसका डायमीटर कितना है और स्ट्रोक लेंथ इन mm. और थर्ड जो है थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू इन किलोवाट. थ्योरेटिकल पावर कितना कंज्यूम होगा उसको किलोवाट में निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका TS डायग्राम बनाएंगे. रेड कलर में देखिए, अगर तो एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ एंट्रोपी है. हमने 0.1 मार्क किया पहले. 0.1 क्या है, -20 degree centigrade, और लाइन जो है वो आपका वेपर लाइन है, सेचुरेटेड वेपर लाइन है. तो सेचुरेटेड वेपर लाइन पर 0.1 -20 degree centigrade पर हमको डायरेक्ट R134A के टेबल से हमको मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमने शो की है H1 = 386.55 kJ/kg. क्लियर. अब H2 1 से 2 जो हो वो सुपर हीटिंग हो रहा है एवोपरेटर में, तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 + Cp ∆T. डेल्टा टी दैट इज़ H1 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, प्लस Cp ये हमको फिर टेबल से मिलेगा 134A का सुपर हीटेड फॉर्म में. वो जो हमने वैल्यू लिखा हुआ उसका 0.816 इंटू 5 डिग्री से सुपर हीटिंग हो रही है इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5. तो इस तरह से हमको H2 की वैल्यू मिल गई 390.63 kJ/kg. ठीक है, H1 H2 मिल गया. देखिए हमें सब जगह का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है. एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगा तो सभी वैल्यू निकल जाएंगे. अब H2 की प्रॉपर्टी दैट इज H3 मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है कंप्रेसर में हो रहा, तो H2 = H3 जो कि हमने शो किया. H2 की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2 = S1 + Cp log T2/T1. H2 की वैल्यू जो होगी वो S1 + Cp log T2/T1. तो S1 क्या है आपका, गैस फॉर्म में है. तो 134A के टेबल से S1 सेचुरेटेड गैस पर एंट्रोपी क्या होगी वो हमें वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा. तो S1 मिल जाएगा हमको, सी पी की वैल्यू भी हमको टेबल से ही मिलेगी. लॉग T2/T1 टेम्परेचर मालूम है, T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर दैट इज़ कैलकुलेटेड T2 और T1 टेम्परेचर. T1 जो हमारा क्या है, सेचुरेटेड वेपर का टेम्परेचर है जो कि हमको सीधा टेबल से मिल रहा है, और T2 जो है वो 5 डिग्री, उसको जब हम सुपर हीट कर दे रहे हैं प्लस 5 डिग्री हो जा रहा है. तो
तो वहाँ से हम एस टू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस टू की वैल्यू आ रही है 1.7573। अब ऊपर आइए एस थ्री पर, तो एस थ्री इज इक्वल टू एस फोर प्लस सी पी अगेन टी थ्री अपॉन टी फोर। टी थ्री टेम्परेचर हमको नहीं मालूम है, टी फोर टेम्परेचर हमको मालूम है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको अब टी थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब चूंकि एस थ्री इज इक्वल टू एस फोर, एस थ्री इज इक्वल टू एस टू है, तो वहाँ पर हमने एस थ्री की जगह पर वैल्यू लग दिया प्लस एस फोर। एस फोर डायरेक्टली हमको मिलेगा गैस की एंट्रोपी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेबल से मिलेगा, द R134a के टेबल से डायरेक्ट हमको मिलेगा। तो उस वैल्यू को रखेंगे, एस फोर को रखेंगे प्लस सी पी की वैल्यू भी हमको टेबल से ही मिलेगी गैस के लिए फ्रॉम R134a टेबल, 1. दैट इज गिवन 1.246 ln T3 अपॉन T4। T4 की वैल्यू भी डायरेक्ट हमको मालूम है, टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू जो होगी 273 ऐड कर दो, 273 ऐड करके T4 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 50 प्लस 273, दैट विल बी पुट अप ओवर देयर। और वहाँ से कैलकुलेट करके हम T3 की वैल्यू निकाल लेंगे। T3 की वैल्यू निकल गई 336.6 kg, ये हमारी हो गई T3। अब H3 हमको चाहिए, H3 दैट इज एंथैल्पी एट 0.3। तो H3 क्या हो जाएगा, H4 प्लस CP T3 माइनस T4। सभी वैल्यू हमको मालूम है, H4 की वैल्यू हमको टेबल से मिलेगा और फिर हम यहाँ से H4 की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। T3 मालूम है, T4 मालूम है, H4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 423.44। H4 की वैल्यू तो हमको टेबल से मिल जाएगा, H3 की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर, सॉरी H3 की वैल्यू निकालनी है। तो H3 इज इक्वल टू H4 प्लस CP T3 माइनस T4। H4 जो है बेटा वो हमारा सेचुरेटेड गैस का टेम्परेचर है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एंथैल्पी नॉट टेम्परेचर, एंथैल्पी वो हमने वैल्यू रख दिया और हमको H3 की वैल्यू निकल गई। अब H3 निकल गया, नाउ H5। H5 क्या है, लिक्विड स्टेज में आ गए हम, 50 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड की एंथैल्पी कितनी होगी H5, वो हमको फिर टेबल से ही मिलेगा और वहीं पर CP की वैल्यू भी हमको मिलेगी 1.56। तो H5 हमको डायरेक्ट टेबल से मिल जाएगा। तो H6 अब हमको चाहिए, तो H6 जो होगा वो H6 मतलब नीचे आइए, उसको हम जो है सुपर कूल कर दे रहे हैं ना रेफ्रिजरेंट को, 5 to 6। तो उसकी वैल्यू H6 की वैल्यू H3 माइनस CP डेल्टा T दैट इज इक्वल टू H6 इज H3 माइनस CP डेल्टा T। अब वो चीज़ हमारी जो होगी डायरेक्ट हमको निकल जाएगी H6 की वैल्यू, और H6 और H7 सेम होगी क्योंकि कांस्टेंट एंट्रोप कांस्टेंट आइसो एंथैल्पी लाइन है, वो एंथैल्पी कांस्टेंट एक्सपेंशन वॉल्व में होता है मालूम है, ये बताया हमने। तो वहाँ से सीधा हमारा H6 H7 निकल जाएगा। तो ये सब वैल्यू हमारी जितनी भी है सब हम कैलकुलेशन के थ्रू एंथैल्पी की वैल्यू निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल ऑफ द R134a, और कैलकुलेशन करते हैं हम TS डायग्राम पर। तो सभी हमको एंथैल्पी की वैल्यू सब जगह हर पॉइंट पर मिल गई। नाउ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो पहला पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, दैट इज़ मास फ्लो रेट पूछ रहा था। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, H2 माइनस H7। देखिए आप जो एवापोरेटर का टेम्परेचर जो है H6 H7 है और 2 जो है सुपर हीट करने के बाद जो है, तो टोटल हमारा निकल गया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। नाउ मास फ्लो रेट, दैट विल बी मास फ्लो रेट हम कैसे निकालेंगे, हमको दिया हुआ 10 TR प्लांट, 10 TR को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया किलोवाट, किलोवाट में डिवाइडेड बाई जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है 126.83, दैट इज H2 माइनस H7 वहाँ से निकल गया। तो हमारा मास फ्लो रेट निकल गया दैट इज़ 0.276 kg/s और 16.56 kg/min, ये हमारी वैल्यू आ गई। नाउ वी विल कम फॉर द कंप्रेसर, कंप्रेसर के बारे में हम आएंगे। पहला पार्ट न्यूमेरिकल का हुआ मास फ्लो रेट निकालना था, तो दैट इज़ कमिंग टू बी 0.276 kg/s और 16.56 kg/min। नाउ कंप्रेसर पर अब हम आए, तो एक्चुअल वॉल्यूम कंप्रेसर का क्या है, पाई बाई 4 D² × L × N/60।
एन क्या है, आरपीएम, राउंड पर मिनट, तो उसको सेकंड में चेंज किया इनटू एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, 80% दिया हुआ एफिशिएंसी कंप्रेसर की, दैट विल बी इक्वल टू एम बाई टू, चूँकि दो सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए मास जो है डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, इनटू वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम फिर हमको जो है टेबल से मिलेगा, 134A के टेबल से मिलेगा। तो यहाँ पर सब वैल्यू अगर हम रखें, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और एल और डी का रिलेशनशिप दिया हुआ 1.1, एल बाई डी इक्वल टू 1.12 न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, तो 1.1 हमने ले लिया, तो 1.1 डी, और उसके बाद फिर आरपीएम मालूम है 1200 बाई 60, इंटू एफिशिएंसी दिया हुआ है 80% कंप्रेसर का, तो 0.08 हो गया एफिशिएंसी लिख दिया हमने, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। वहाँ से हम डायमीटर की वैल्यू डायरेक्ट हम निकल जाएगी, डी क्यूब इज इक्वल टू 0.1076 और डी विल बी इक्वल टू 108 mm, इतना निकल गया mm। वहाँ से जब हमको डायमीटर मिल गया तो लेंथ भी मिल गया, लेंथ और डायमीटर में 1.1 का रेशियो है, तो सीधा हमको स्ट्रोक लेंथ 1.9 mm मिल गया डायरेक्टली। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन, द पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर, तो पावर कैसे कंज्यूम्ड होगा, दैट इज़ S3 - S2, जो स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट एंट्रॉपी प्रोसेस कंप्रेसर के लिए, तो S3 - S2 इंटू मास, तो S3 की वैल्यू मालूम है, S2 की वैल्यू मालूम है, हमने डायरेक्ट लिखा, इंटू मास से मल्टीप्लाई किया, सीधा हमारा किलोवाट में पावर आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ फाइंड आउट कर दिया, पहला चीज़ हमने फाइंड आउट क्या किया, मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट, मास ऑफ द, पहला पार्ट था हमारा मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन केजी पर मिनट, जो कि एम की वैल्यू थी वो हमने निकाला 0.276 केजी पर सेकेंड। दूसरा पार्ट था हमारा बोर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ द कंप्रेसर, वो हमने बोर और स्ट्रोक लेंथ निकाला, डी निकल गया, डी और एल की वैल्यू निकाली। और तीसरा पार्ट था पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर, पावर कंज्यूम्ड हमने निकाला S3 - S4 इंटू मास, तो हमारा 13.67 किलोवाट आ गया। ये तीनों चीज़ हमको निकालने थे, हमने TS डायग्राम यूज़ किया, और प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट द चार्ट ऑफ 134A दैट शुड बी अवेलेबल, चार्ट हमारे किताबों में दिया रहता है, और अगर न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो चार्ट आपको दिया जाएगा। इस तरह से हम सीधा निकाल सकते हैं सभी वैल्यू यूजिंग द TS चार्ट। इसी चीज़ को हम फिर निकाल सकते हैं PH डायग्राम पर, अगर R134 के A का PH डायग्राम हमको मिल जाए तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।